the movie is very good, you know. It is a very good concept about the film industry, what kind of films they make, you know, and how difficult it is to get financer. Halaki production value thodi si kam hai, isi wajah se thodi si film ka wo hai, lekin agar production value thoda acha hoti to ye film bahut achi hoti hai. Rajpal Yadav hai isme aur Anu Kapoor hai, Manoj Joshi ji hai aur baki sare naye tamam actors hai. Kahani bahut achi hai. Paisa jama karne ke liye bahut hi dikkaton ka samna karna padta hai. Director bane hai jo Anu Kapoor. Main kahani aapko bataungi, kahani aap dekhiyega zarur, film aap dekhiyega. Film साथ में घूमर रिलीज हो रही है, वो बड़ी प्रोडक्शन की फिल्म है, लेकिन ये फिल्म भी आप अगर कुछ नहीं करोगे तो ज़रूर देखिएगा. इसमें कॉमेडी है, थ्रिल है, ड्रामा है, इमोशंस है, सब कुछ है. म्यूज़िक भी इसमें ठीक ठाक है, एक आइटम नंबर भी है, तो रिक्शे वाले लोग अपने आँख सेक सकते हैं. और म्यूज़िक अच्छा है, एडिटिंग इज़ गुड, स्क्रीन प्ले इज़ वेरी गुड, डायरेक्शन भी बहुत अच्छा है इरफान जी का, और अनु कपूर जी हैं जो जिन्होंने बतौर इन फिल्म निर्देशक की भूमिका निभाई है. और इसमें आप ज़रूर देखिएगा, छोटे सुंदर सुशील से राजपाल यादव हमारे हीरो बने हैं और वो अच्छा काम किया है. मैं और क्या बोलूँ, फिल्म अच्छी है, इसको मैं 2.5 देना चाहूँगी. Long or good movie, cool entertainment, and this will run all over the India. CP, CR, Rajasthan, non small cent also. Manoj Joshi, Anu Kapoor, all have done very good. Rajpal Yadav, everybody has got a good role. Very big, big hit movie and full entertainment. एक सेकंड भी आदमी को बोर होता नहीं है. कितने स्टार देंगे पद में से आप? हाँ. कितने स्टार देंगे पद में से? हाँ. पांच में से कितने स्टार देंगे? इसमें पांच में से छह स्टार. सर मूवी एकदम बहुत बढ़िया थी, मज़ा आ गया. क्या अच्छा एक्टिंग अच्छी लगी आपको? मेरे को राजपाल सर की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. एक्टिंग मतलब उनकी एकदम डीप में घुस गए थे. एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त. मैसेज बस यही है कि आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में. मेरे को तो वही फील हुआ. मैं पाँच में से पाँच स्टार दूंगा. प्रदीप भाई नॉन सब धमाल दी, जैसा कि फिल्म का टाइटल था, फिल्म देखने को वैसे ही मिली. और मैं कहूँगा कि भाई आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें. कल फिल्म रिलीज़ हो रही है, आज हम लोग प्रीमियर पे थे और नॉन स्टॉप धमाल देखने के लिए मतलब राजपाल भाई ने जो काम किया है, और सबसे पहले तो मैं कहूँगा डायरेक्टर इरशाद भाई का और राइटर जो कहानी लिखी है, बहुत ही अमेजिंग कहानी, बहुत अच्छी डायरेक्शन. और मतलब हम लोग को ज़रा सा भी कहीं पर लूज पॉइंट नहीं मिला फिल्म देखते वक्त. और कहानी के अंदर में ऐसा था, हम लोग खुद में कुछ सीखा, हम लोगों ने एज अ डायरेक्टर होने के नाते हम लोग कुछ सीखा वहाँ से. और बहुत अच्छी फिल्म थी. हाँ, ऑलमोस्ट देखा जाए तो पूरी फिल्म का मेन सूत्र जो अनु कपूर जी हैं, जिनके माध्यम से पूरी कहानी चल रही थी, और मनोज जोशी जी हैं, अमेजिंग काम किया, और देव शर्मा जी का भी काम बहुत अच्छा लगा मुझे. और जो आइटम सॉन्ग जॉर्जिया का, वो अमेजिंग, मतलब नॉनस्टॉप धमाली था पूरा. कंप्लीट मतलब एक तरह से जिस वो फिल्म देखे कंप्लीट पूरा पैसा वसूल है. हाँ जी सर, फाइव में से मैं एटलीस्ट 4 स्टार जरूर दूंगा. Movie was excellent, too much fun, actually non-stop dhamal, very well acted, everyone played their best and fully entertained, lovely, loved it. Everyone, Anu Kapoor ji, Asrani sir, he is always great, Rajpal Yadav is to full dhamal only, even the Joshi sir, everyone was too good, very well concept, very well given. How interesting the film was, yeah. So like, I really loved the film, yeah. It was very nice. I enjoyed. Yeah, those main characters were like obviously so interesting. So yes, all of them, yeah. Thank you. यार बहुत ही रेटेड सुपर हिट, बहुत ही एंटरटेनिंग. एक मिनट भी बोरिंग नहीं है, फुल धमाल है. धमाल मतलब नॉन स्टॉप धमाल है. मतलब मुझे लगता है कि इरशाद भाई ने सबसे कमाल का काम किया है कि बहुत कम वक्त में शूट की फिल्म,
और इस वक्त ना इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन रहे हैं, उनमें ये एक हंसी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। तो कोविड के बाद ये एक बहुत अच्छी फिल्म है, इसको लोग देखकर हंसेंगे मुस्कुराएंगे। और राजपाल भाई का एक अलग तरह का काम है, अनु जी का डेफिनेटली, मनोज जी जोशी जी का, तो इट्स लाइक कलेक्टिवली आउटस्टैंडिंग। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, यार मैं बताऊँ, इरशाद भाई से मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये नॉन स्टॉप धमाल है, तो उस तरह नॉन स्टॉप स्टार्स हैं इसके लिए। तो हमारे अब सबसे बड़े कॉमेडी के किंग आए हैं, वो बताएंगे फिल्म के हैं। निशा जी, आपने जो कैरेक्टर किया, जो ब्लड ग्रुप मिला है, बिल्कुल मेरे वाले शॉट से ही मूवी टर्न ओवर हो गई है। बोलते ना ब्लड ग्रुप, वहाँ से स्टार्ट हो गया। ब्लडी कैरेक्टर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ब्लडी फुल कैरेक्टर किया आपने। सो टोटल क्या धमाल ना? हाँ, नॉन स्टॉप धमाल। नॉन स्टॉप धमाल फिल्म, नॉन स्टॉप धमाल है क्योंकि हर बंदा इसमें कमाल है और एंटरटेनमेंट से माला माल है, इसलिए इसको देखने आया सुनील पाल है। और बस शुभकामना है कि फिल्म बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग सभी जाइए और देखिए, धमाल करते रहे के साथ में। और मूवी के मेरे सीन से बस टर्न ओवर हो जाती है ये मूवी, आप लोगों को सभी को अच्छी लगी होगी। इवन बॉक्स ऑफिस में भी धमाल करे, नॉन स्टॉप धमाल करे, हंगामा कर दे, गदर 2 की तरह ही हिट हो जाए। फिल्म बहुत कॉमेडी वाली थी, कॉमेडी थी एकदम। हाँ, कैसी लगी आपको? अच्छी लगी क्या? बहुत मस्त, बहुत मस्त थी, अच्छी थी। एक्टिंग किससे अच्छी? एक्टिंग वगैरह राजपाल सर की ज़्यादा अच्छी थी। और अमित कपूर या मनोज जी है, सबकी एक्टिंग? हाँ, उनकी बेस्ट, और उनकी भी ज़्यादा अच्छी, हमारे डॉक्टर सर जी, इनका बहुत मजा लगा रो कसाई वाला। सर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए किशन भाई हमारे जो राइटर डायरेक्टर लिरिक्स राइटर है, ये इनका इमेजिनेशन है और उन्होंने जो सोचा और जो स्क्रिप्ट लिखा है उससे भी बहुत बढ़िया फाइनल प्रोडक्ट आया है। और जब कोई बंदा इतनी मेहनत करता है तो हम चाहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से ये फिल्म को बहुत बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कामयाबी मिलनी चाहिए, नॉन स्टॉप धमाल को, क्योंकि मेहनत भी नज़र आती है, क्रिएटिव आउटपुट भी नज़र आता है और पब्लिक का लाफ्टर भी मज़ा आता है और बहुत फास्ट पेस एडिटिंग है। तो जिन्होंने ये फिल्म आज देखी, उनके रिएक्शंस देखे, उसी हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 100% नॉन स्टॉप धमाल इंशाल्लाह बॉक्स ऑफिस पे कामयाब ज़रूर जाएगी, गदर मचाएगी क्योंकि बहुत सर ने मेहनत की है और हर एक आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी अंदर डॉक्टर का किरदार किया, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि कसाई का जो एक सिक्वेंस ज़्यादा मस्त उसमें बहुत अच्छा पब्लिक का लाफ्टर मिला। लेट्स क्रॉस फिंगर, क्रॉस एंड